सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम सबके चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब आप सभी के ही वजह से हो पाया है और आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा है तभी ये चीज़ हो पाई है। तो आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो सबसे बड़ा हाथ तो आप सभी लोगों का है। आप सभी लोग ऑडियंस बन के जो है यहाँ पर आप वीडियोस देखते हो, सीखते हो नया और सब्सक्राइब करते हो। और मेरे गुरुजी का भी बहुत बड़ा हाथ है, जीतू सर का, तो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड की पूरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। इन सब की वजह से हम यहाँ तक आज हैं। तो गाइज, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। अब बात करें भैया 2K की खुशी है, तो आज एक ऐसी ही हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो एप्लीकेशन आपको बहुत खुश कर देगी। एक सेकंड के अंदर अंदर आप अपना बहुत ज़रूरी काम कर सकते हो। एक सेकंड के अंदर आप कहीं पर भी हो, अपनी कोई भी एप्लीकेशन खोल सकते हो, किसी भी कॉन्टैक्ट को एक सेकंड में कॉल लगा सकते हो सिर्फ वन लेटर लिखकर। ऐप का नाम है यहाँ पर इजी ड्रोर। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। सो गाइज, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ऐप है ये। कैसे इसका यूज़ करेंगे सब कुछ हमने बताया है। और आज तो भाई लाइक की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज इतनी बड़ी भैया खुशी है, 2K सब्सक्राइबर हुए तो लाइक करना बनता है, बिना लाइक किए कोई मत जाना। और मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि रात हो रही है, रात को वीडियो बना रहा हूँ मैं, लोग क्या सोचेंगे भैया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन काम क्या करती है। सो गाइज, आप ये एप्लीकेशन जो है आपकी स्क्रीन पर एक कीबोर्ड दे देती है। अब वो आपकी चॉइस है, आपको A to Z कीबोर्ड चाहिए या QWERT वाला कीबोर्ड चाहिए, वो आपकी चॉइस है। लेकिन एक कीबोर्ड आपकी स्क्रीन पर पूरा दे दिया जाता है इस एप्लीकेशन के द्वारा। लेकिन यहाँ पर होती क्या है कमाल की चीज़, आप इस कीबोर्ड में कुछ भी अगर लेटर टाइप करते हो तो होगा क्या, उससे रिलेटेड आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी या जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो आ जाएंगे। अब इसमें भी आपकी चॉइस है, आप चाहते हो कि एप्लीकेशन और कॉन्टैक्ट्स दोनों आए तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ओनली ऐप्स ही आएँ तो ये भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ओनली कॉन्टैक्ट्स ही आएँ तो ये भी आप कर सकते हो। सारी आपकी चॉइस है, कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। एक ही सांस में मैंने सब कुछ बोल दिया है। तो ये सिंपल सा ही एप्लीकेशन काम करती है, लेकिन ये काम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप मतलब गाइस सोचो, फ़ोन में आप अपनी होम स्क्रीन पर आते हो, कहीं भी हो, आपको जो है सबसे पहले कॉल लगाने वाले कॉन्टैक्ट में जाओ, फिर उसका नंबर सर्च करो, फिर ढूंढो, फिर कॉल मिलाओ। अगर आपको नंबर मिला तो पहले डायलर में जाओ, फिर वहां पर नंबर लिखो, मतलब इतना करना पड़ता है एप्लीकेशन ढूंढने के लिए। एप्लीकेशन स्वाइप अप करो, पेज ऐप्स लिस्ट खोलो, तुम कहाँ जाके ऐप मिलती। तो गाइज, मैंने जो है इस एप्लीकेशन को इतना यूज़ किया और मेरा इतना टाइम बचा, मैं बस स्क्रीन पर एक लेटर टाइप करता हूँ और मेरी एप्लीकेशन और मेरा कॉन्टैक्ट मुझे एक सेकेंड में मिल जाता है। अब सोचो गाइज, ये चीज़ कितनी यूजफुल है। हो गई ना भैया 2K स्पेशल वीडियो इसी बात पर लाइक का बटन दबाओ। हम चलते हैं इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना ये आपको बताते हैं। लाइक गाइज कर देना आज, तो भैया मेरे को थोड़ा सा खुश कर दो, लाइक कर दो जितने कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको, जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको करना कुछ भी नहीं है। इस एप्लीकेशन को देखिए, आ गई मेरे फोन पर। ये हमारी एप्लीकेशन आ गई इजी ड्रोर। अब आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है, ठीक है। आपको जाना है इसके एक्शंस बटन में, टॉकबैक मेन्यू खोलिए। ये क्या कर दिया मैंने, एक्शंस में आपको जाना है, actions, shortcuts, remove shortcuts, और यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स में जाना है। और आपको विजिट्स में जाना है। तो ये एक विजिट आ गया, इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है और कहीं पर भी इसको स्क्रीन पर ऐड कर देना है। अब आपसे परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए, बस इतना सा ही आपको काम करना है। एक और परमिशन मांग रहा है, डन ऑलरेडी कर देते हैं, है ना। आपका रेडमी का है तो आपसे ये एक्स्ट्रा परमिशन मांगी जाएगी। सिंपल सा बस आपको गाइज इतना ही करना है कि इसको विजिट में ऐड कर लेना है। इसका विजिट ऑलरेडी आपको दिया गया है, बस आपको विजिट्स में जाना है इस एप्लीकेशन के एक्शंस में जाकर, और जो विजिट है उसको लॉन्ग प्रेस करके स्क्रीन पर कहीं भी छोड़ देना है बस। अब यहाँ पर देखिए पूरा कीबोर्ड आ गया होम स्क्रीन पर, है ना, QWERTY वाला जो है यहाँ पर QWERTY कीबोर्ड वाला अभी आ रहा है, ये पूरा कीबोर्ड आ रहा है। अभी हम सबसे पहले इसकी सेटिंग में चलेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं इजी ड्रोर आ रहा है। सेटिंग में आपको कैसे जाना है,
यहाँ पर L के बाद हैश आता है, उसके बाद आएगा लॉन्च कीबोर्ड सेटिंग, है ना, Z के पीछे और L के बाद, इस पे आपको जाना है। तो इसमें हम जो है कुछ जरूरी सेटिंग्स आपको बता देते हैं, सारी सेटिंग्स आपको नहीं छेड़नी है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या आइटम्स शो होनी चाहिए, एप्स या एप्लीकेशन और कॉन्टैक्ट्स, या ओनली कॉन्टैक्ट्स या ओनली एप्स। तो इस पे जब आप करोगे तो आपके एप्लीकेशन और कॉन्टैक्ट्स शो होंगे। तो जो भी आप चाहो वो कर सकते हो, मैं एप्स और कॉन्टैक्ट करूंगा। अब मैं जब भी कोई लेटर टाइप करूंगा तो उससे रिलेटेड मेरे फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स और जितने भी एप्स होंगे दोनों ही आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर अगर चाहते हो कि आप कंटिन्यू टाइपिंग कर पाओ, यानी आप चाहते हो सिर्फ एक लेटर, क्योंकि गाइज अभी क्या होगा, आप सिर्फ एक लेटर लिखोगे तो एक ही लेटर में जितने कॉन्टैक्ट होंगे वो आएंगे। अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू रहे, है ना, आपको एक आपके फोन में मल्टीपल एप्स है, एक ही बहुत सारे एप्स है जिस पर आप एक करेक्टर में भी नहीं ढूंढ पाओगे, एक लेटर में भी नहीं ढूंढ पाओगे, एक कॉन्टैक्ट बहुत सारे, तो आप कंटिन्यू सर्च को ऑन कर सकते हो। तो अब होगा क्या, डी से मान लीजिए आपको सर्च, डी चलिए पी से सर्च, चलिए डी कुछ भी सर्च करना है भैया, पी से आपको मान लीजिए सर्च करना है, तो पी से बहुत सारे ऐप्स आ गए, बहुत सारे कॉन्टैक्ट। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आपको जो भी कॉन्टैक्ट सर्च करना है उसका अगला करेक्टर जब भी आप लिख दोगे तो वो भी स्पेशल वो वाला आ जाएगा, उसका अगला लिख दोगे, मतलब आप पूरा भी लिख सकते हो, कंटिन्यू सर्च भी कर सकते हो। सिंपल सा मतलब इतना ही है, उम्मीद है समझ गए होंगे। आप कंटिन्यू सर्च ऑन कर सकते हो, अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो सिर्फ आपको एक ही लेटर लिखना होगा, अगर अगर आप आगे लिखोगे तो वो यहाँ पर रिजल्ट्स में नहीं आएगी चीज़, ठीक है। तो आगे करते हैं, कंटिन्यू सर्च आप ऑन कर लेना, कुल मिलाकर यूजफुल है। Show search term on switch on tip. In middle of search, बस ये ऑन ही रहने दीजिए। Items ordering not applicable when search mode is init. Show matches for favorites and show on launch favorites. Keyboard layout Q double auto close easy keyboard layout Q W E R T Y. तो यहाँ पर आप कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो। QWERTY कीबोर्ड यहाँ पर सिलेक्टेड है। QWERTZ भी कर सकते हो। A to Z कर सकते हो। और ये भी है। ये क्या भैया, ए बी सी डी भी कर सकते हो, है ना, जो आप चाहो वैसा कीबोर्ड आप कर सकते हो। सारी यहाँ पर चॉइसेस हैं, काफ़ी अच्छी लगी मुझे बात। मैं जो है क्वर्टी कीबोर्ड ही रखूंगा क्योंकि इसकी हमें आदत है, हम नॉर्मल हमेशा टाइपिंग करते हैं तो इसकी आपको आदत है, तो आप इसी को रख सकते हो। Show app names on switch on switch on. बस और कोई सेटिंग आपको नहीं छेड़नी। App names and tool on off switch off. Contacts out of contacts to show show contact name on switch on. Contact name on switch on. Contacts tab at call direct on switch on. Call directly from app on switch on when disabled. Dialer is open before calling. तो एक यहाँ पर ऑप्शन है कॉल डायरेक्टली, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो मान लीजिए आपने कोई सर्च किया, कोई कॉन्टैक्ट सर्च किया, तो जब भी आप उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक डायलर में ले जाएगा, वहां से आपको डायल करना होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कॉल को ऑन रखते हो तो सिंपली बस आप उस पर क्लिक करोगे उसको कॉल लग जाएगी। तो इसको ऑन रखिएगा डायरेक्ट कॉल, सीधा आप यहीं पर सर्च करो आपका कॉन्टैक्ट आया, सिंगल क्लिक करो कॉल लग जाएगी, काफी यूजफुल है ये भी। Contacts tab action call. Call on switch other unavailable. बस इतना ही है ना, जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी मैंने आपको बता दिया, बैक करेंगे। बस अब आप इसका यूज करना शुरू कर दीजिए और यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना। यहाँ पर मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, आप जो विजिट लगाइएगा वो एक नई स्क्रीन में लगाइएगा, अपनी ऑलरेडी स्क्रीन में मत लगाइएगा, ताकि आपके जो ऑलरेडी एप्स आप ढूंढते हो उसमें आपको परेशानी ना हो। एक जो है आप नई स्क्रीन बनाइए और उसमें इस विजिट को ऐड कीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, मैं W लिखता हूँ। अब भैया मेरे को WhatsApp में जाना, मैं कहाँ आया था ढूंढूं, मैं सीधा W पे फिंगर रखता हूँ और मेरा निशाना गलत हो गया। सो गाइज इन केस अगर आपके ये फ़ोन में प्रॉपरली वर्क ना करे, स्पेशली Redmi यूजर्स के साथ ये होता है जो मेरे साथ भी हो रहा है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले इसकी ऐप इन्फो में जाना है, उसके बाद अदर परमिशंस में जाना है। तो यहाँ पर जो है ना शो ऑन लॉक स्क्रीन, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। Show accept unchecked. Easy settings. और आगे देखते हैं एक और परमिशन बताते हैं। Display pop-up windows while running in the background. This accept unchecked. Display pop-up window while running in the background को भी आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है, उसके बाद ये ऐप आपका प्रॉपरली वर्क करेगा। अब गाइज यूज करने से पहले एक बात बताओ कि आपने अभी तक गाइज सब्सक्राइब किया या नहीं, अब जल्दी से करा दो और सब्सक्राइबर मेरे। चलो W लिखते हैं। W Easy Drawer Contacts with phone number empty free premium time weather. अब देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स तो नहीं आए, कॉन्टैक्ट्स पे लिखा एम्प्टी, अब यहाँ पर W से जितने भी एप्स हैं वो आ गए आगे,
पहले कॉन्टैक्ट शो करेंगे फिर वेदर, वो मतलब फिर एप्स, सबसे पहले वेदर आया और व्हाट्सएप आया, है ना, दो ऐप्स आए। लेकिन अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू सर्च का यूज करके देता हूँ, मैं डब्ल्यू एच लिखूंगा सिर्फ व्हाट्सएप ही आएगा, फिर देखिए अब व्हाट्सएप आएगा सिर्फ। अब सिर्फ व्हाट्सएप ही आ रहा है, यानी कि इस तरह से कंटिन्यू सर्च काम करता है। अगर आपके मल्टीपल ऐप्स है तो आप ऐप की स्पेलिंग लिख दीजिए, वो आएगा ऐप, फिर दूसरा नहीं आएगा। अब कॉन्टैक्ट्स का भी एक दिखा देता हूँ, W से कोई कॉन्टैक्ट नहीं मेरे फोन में, बैक करेंगे two. अब लिखते हैं हम कुछ H, लिखते चले अब H से जितने भी कॉन्टैक्ट है, देखिए आ गए तीन तीन बार सेव कर रखे मैंने, जितने भी कॉन्टैक्ट है। अब मैं जाता हूँ, मेरे को सिर्फ हिमांशु जी का ही यहाँ पर नंबर चाहिए, तो मैं H I लिखूंगा, अभी भी यहाँ पर एच आई से बहुत चल रही है, एम लिखेंगे, अब आया होगा हिमांशु ब्रो, यहाँ पर मुझे मेरा नंबर मिल गया तीन करेक्टर लिखने पर। तो ये अब आप उम्मीद है समझ गए होंगे कंटिन्यू सर्च कैसे काम करते हैं। अब सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, इसको परमिशन दीजिए, कॉल लग जाएगी, और मेरा फोन एयरप्लेन मोड पे है, तो ये कॉल ले रही है। व्हाट्सएप भी खोल के दिखा देता हूँ एक बार, कोई ऐप खुलता है या नहीं, देखिए गाइस एक सेकंड में ऐप पे पहुंच गया मैं, देखिए व्हाट्सएप भी मेरा खुल गया, ऐप लॉक आ गया। तो ये आपको पता लग गया कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है। सो गाइज अब कोई डाउट है आपको, अब कुछ मतलब आप रह सकते हो इस एप्लीकेशन को बिना यूज़ किए, ज़रूर इंस्टॉल करना, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है ये सभी लोगों के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, ये एप्लीकेशन कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना, और 2K हो गए भैया स्पेशल वीडियो थी या नहीं ये भी कमेंट करके बताना। गाइज़ लाइक कर देना वीडियो को, मैं धीरे से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत रात हो रही है, लोग सो रहे हैं, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो में लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, सभी को इसके बारे में नॉलेज मिल पाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।